ठीक है बाकी जो स्टूडेंट्स आएंगे वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे तब तक आ, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज हमने पढ़नी है वायरल डिजीजेस वायरल डिजीजेस हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स में और एनिमल्स के बाद फिर हम प्लांट्स में पढ़ेंगे और प्लांट्स में डिस्कस करने के बाद फिर हमारे पास जो टी जिसको हम टोबैको मुजैक वायरस का नाम देते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह से जो टोबैको मोजैक वायरस है वो स्प्रेड होता है और, और क्रॉप्स को किस तरह से इफेक्ट करता है और उसके इकोनॉमिक लॉसेस क्या हैं और उसका रेप्लीकेशन और पेनिट्रेशन प्रोसेस क्या है सबसे पहले हम देखेंगे वायरल डिजीजेज एनिमल्स में और एनिमल्स में अगर हम डिस्कस कि सबसे पहले हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो वायरस होता है वो होस्ट सेल में जब एंटर होता है एंटर होने के बाद फिर वो पेनिट्रेट करने के बाद जो है वो अपनी वहां पे फूड हासिल करता है वायरसेस इन होस्ट सेल में अब होस्ट सेल में वो क्या करते हैं कि जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम होते हैं लाइसोजाइम उनको प्रोड्यूस करते हैं और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मकसद क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं होस्ट के उसको बस्ट करें और उसको डैमेज करके ये खुद बाहर निकल आए ठीक है और इस तरह से ये अपनी लाइफ वहां पे गुजारते हैं और लाइफ गुजारने के साथ साथ उनसे फूड ले रहे होते हैं और उनको डैमेज कर रहे होते हैं होस्ट सेल को और खुद फूड हासिल कर रहे होते हैं इसके बाद आप इसकी जो वायरस की बॉडी होती है वो आपके पास इन शेप में होती है और इस तरह से वो जो होस्ट की सेल बॉडी होती है वो उसको इफेक्ट कर रही होती है उसको टॉक्सिक बना रही होती है और उसमें एलर्जी क्रिएशन कॉज करती है नेक्स्ट uh, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वायरल डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है वो होस्ट में और होस्ट में इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ वो जो होस्ट सेल्स की जीन्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है उनको एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के बाद वो जो होस्ट सेल होता है वो डिवाइडिंग स्टार्ट करेगा और इस तरह से ट्यूमर सेल जो है वो अः आपके पास प्रोड्यूस होते हैं इन एक्यूमुलेटेड फॉर्म में जो कि आप बाद में कैंसर का बायस बनते हैं और इस तरह से ये हमारे पास जो कैंसर होता है वो एक एरिया से बॉडी के दूसरे एरिया में स्प्रेड करता है कुछ केसेस में आप ये पढ़ते हैं कि जो वायरस होता है वो जो हो सेल होता है वो उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है एड्स की अगर आप एड्स को देखें तो एड्स में आपके पास अगर एब्रीवेशन है वो आपके पास इक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जो कि एच वायरस की वजह से कॉज होता है और ये जो हेल्पर टी इम्फोसाइड्स होते हैं जो कि आपके पास वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं ये उनको इफेक्ट करता है ठीक है और इस तरह से ये जो एच वायरस होता है ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं ये उनको इफेक्ट करेगा और जब वो इफेक्ट होंगे आपको पता है कि हमारा ब्रेन ही जो है वो ओवरऑल हमारी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है तो उससे क्या होगा कि जो सिमटम्स uh, में आपके पास एक सडन वेट लॉस अपेयर होगा और उसके बाद जो लिम्फ नोड होती है वो आपकी स्वेल कर जाएंगी और इस तरह से जो इम्यून सिस्टम होता है वो टाइम के साथ साथ वीक होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड पे वो लॉस हो जाएगा ठीक है इसमें जब ये आप वायरल डिजीजेस एनिमल्स की कर रहे होंगे जैसे आपके पास आपने तीन लाइनें ड्रॉ करनी है और तीन लाइनें आप जैसे वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन में एक तरफ आप जो है वो सिम्टम्स लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास स्मॉल पॉक्स आ गई और स्मॉल पॉक्स के बाद फिर आपके पास है कैंसर है हेपेटाइटिस है इन्फ्लुएंजा है ये डिफरेंट आपके पास इस साइड पे ये नेम्स आ जाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे आपके पास आएगा कि आपके पास डीएनए वायरस होता है या आरएनए एन ए आपने ये वायरस देखना होगा कि कौन से वाला होगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा आपके पास और उसके सेकंड नंबर पे आपके पास आएगा इनवेलब्ड वायरस आएगा और नॉन इनवेलब्ड आएगा ठीक है और थर्ड पे आपके पास सिम्टम्स आएंगे इस तरह से आपके पास फोर बॉक्सेस बनेंगे जिसमें एक में आपके पास डिजीज होगी फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक कैंसर और सेकंड में आपके पास डीएनए आरएनए वायरस होगा थर्ड में आपके पास इनवेलब्ड और नॉन इनवेलब्ड और फोर्थ में आपके पास आ, क्या होगा सिम्टम्स होगी इन डिजीजेस की ठीक है ये आपको क्लियर हो गया कि आपने किस तरह से ये फ्लो चार्ट बनाना है यस मैम ठीक है और फिर आपके पास आ जाता है कैंसर कैंसर सेल्स में आपके पास जो रिट्रो वायरस होते हैं और होती हैं जिनको आप का नाम देते हैं और यही जो हैं वो बाद में भी कहलाते हैं और इनको ट्यूमर वायरसेस क्यों कहा जाता है क्योंकि ये वायरसेस अपने जीन्स को इंजर्ट कर देते हैं हो सेल में और इस तरह से वो जो जीन्स uh, इंजर्ट की जाती हैं वो डिवाइड स्टार्ट uh, कर देती है डिवीजन के बाद वो फिर ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से ये ट्यूमर जो है वो बॉडी के एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड होता है और सेल्स जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले वो आपके पास एक इंच एरिया में स्प्रेड हुआ हुआ था वायरस और जैसे टाइम गुजरता जाता है आपको पता है कि कैंसर कितनी तेजी के साथ फैलता है तो वो आपके पास जो है वो टू से फाइव इंच के दरम्यान में वो आपके पास जो स्पॉटेड एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस तरह से वो वहाँ पर सेल की डिवीजन भी स्टार्टेड ज्यादा नंबर में हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट आपके पास है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस में आपके पास जो इन्फ्लेमेशन होती है लीवर की उसको आप हेपेटाइटिस का नाम देते हैं और ये आपके पास बेसिकली वायरस की वजह से होता है इसमें आपके पास डिफरेंट वायरस होते हैं फॉर एग्जांपल इसमें हेपेटाइटिस ए बी सी और डी और इसमें आपके पास जो वायरस होगा हेपेटाइटिस एच ए वी वायरस होगा ठीक है और अगर आप हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो एच बी वी वायरस होगा सेम इसी तरह से एच सी वी और एच सी डी होगा ठीक है और इसमें सिम्टम्स में आपके पास क्या होता है कि आपको जेंडस की कंडीशन अपेयर होती है और उसके साथ साथ जो आपका एबडोमिनल पेन है वो स्टार्ट हो जाता है और लीवर जो है वो इनलार्ज कर जाता है और सम टाइम जो है वो फटीग और फीवर की भी होती है फी जो फीवर होता है वो आपको सम टाइम्स होता है और सम टाइम्स नहीं होता ठीक है और इसके साथ साथ ये आपके पास एक्यूट फॉर्म में भी होती है आ, मतलब वो आपके पास टाइम के साथ साथ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है और फिर इस तरह से वो आपको हेपेटाइटिस से लिवर कैंसर की तरफ शिफ्ट कर देती है ठीक है जैसे स्टार्ट में अगर आप देखें कि आपके पास कैंसर ज्यादा स्प्रेड नहीं करता लेकिन जैसे जैसे अगर आपको डायग्नोज नहीं होता तो टाइम के साथ साथ वो सप्रेड करता जाता है नेक्स्ट आपके पास पोलियो जो है वो पोलियो वायरस की वजह से होता है पास्ट टाइम में ये ज्यादा स्प्रेड होता था और आजकल भी सप्रेड होता है लेकिन इसकी अमाउंट एज कम्पेयर टू पास के एंशियंट टाइम्स के अब कम हो गई है और इसकी मेन वजह क्या है कि ज्यादातर लोगों में अवेयरनेस आ गई और अवेयरनेस की वजह से वो कोशिश करते हैं कि ये जो वायरस होता है पोलियो होता है इस पर काबू पाया जा सके और जो चिल्ड्रन है या जैसे चिल्ड्रन जब बड़े होंगे ताकि वो चलने फिरने के काबिल हों ठीक है ला जब पास में ही होता था तो ज्यादातर यही कोशिश की जाती थी कि बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाए जाए ठीक है उनको इससे सेव किया जाए ये उनके लिए डेंजरस है लेकिन अब अवेयरनेस की वजह से ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाए ताकि वो हैंडी कैप ना बने ठीक है नेक्स्ट आपके पास है इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड वायरस इसमें बेसिकली आपके पास इन्फ्लुएंजा uh, की कंडीशन होती है और इसमें ये आपके पास आरएनए और इनवेलप्ड वायरस है जैसे ये यह यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आरएनए वायरस है और इनवेलप्ड वायरस है इस, इसी तरह से आपने तमाम वायरसेस में कोशिश ये करनी है इसको बताएंगे ठीक है ये वाइट सप्रेट डिजीज है पांच और इवन अब भी फैलती है और ये एपिडेमिक फॉर्म होती है और इसी तरह से ये दोनों डिजीजे जो आपके पास इन्फ्लुएंजा और कोल्ड है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको इफेक्ट करती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल होती है ठीक है उसके बाद आपके पास है स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स जो है वो आपके पास पॉक्स वायरस की वजह से होता है और ये आपके पास डीएनए एन वायरस है और ये जो स्मॉल पॉक्स है बेसिकली ये कॉमन डिजीज होती थी अः ट्वेंटी सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में और लेट नाइनटीन सेंचुरी में और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वेजिकल्स होते हैं वो बॉडी पे रेस कर जाते हैं और इस तरह से वो और उनमें टाइम के साथ साथ जो है वो फ्लूड जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है और इसी फ्लूड फिल होने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो वेजिकल जो हैं ये जो पस् होते हैं ये उनमें चेंज हो जाते हैं जो की बाद में फिर पेटेड स्कॉर्स में चेंज हो जाते हैं और इन्हीं स्कॉर्स को जो है वो पॉक्स वायरस कहा जाता है जिसकी वजह से हम इस वायरस को स्मॉल पॉक्स का नाम देते हैं नेक्स्ट आपके पास है मम्स एंड मेजल्स ये आपके पास जो लार्ज ग्रुप होता है उससे बिलोंग करते हैं और वो जो ग्रुप है उसको हम पेरा वायरसेस कहते हैं और ये आपके पास आरएनए और इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास है हर्पीज हर्पीज सिम्प्लेक्स आपके पास वायरस से स्प्रेड होगा आपके पास डीएनए वायरस होता है और डीएनए वायरस होने के साथ साथ ये ज्यादातर जो है वो मैन जो काइंड जो होते हैं ये उसमें डिजीज स्प्रेड करती है और इसमें वस्कुलर लयन जो है वो बन जाती है जो आउटर लेयर होती है जिसको हम एपिथेलियल लेयर का भी नाम देते हैं जो कि एक्टोडर्मल टिश्यू से मिलके बनी होती है उसमें जो है वो वस्कुलर लयंस फॉर्म हो जाएंगी और इस तरह से एट uh, डिजीज़ में क्या होगा कि आपका जो माउथ लिप्स है या अदर स्किन पार्ट्स होते हैं जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं वहां पे आपके पास जो है ये वस्कुलर लगन बनना स्टार्ट हो जाती है ये आपको वायरल डिजीजे इन एनिमल्स आपको क्लियर हो गया बच्चे यस yes, ठीक है और आपको ये समझ आ गई है कि आपने इसको किस तरह से करना है आपने इसके चार बॉक्सेस बनाने हैं और उसमें फिर आपने एक तरफ जो है वो ये आ, एनिमल जो वायरसेस है उनके नेम्स लिखने हैं और जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि उसमें आर या डी एन बताएं जैसे स्मॉल पॉक्स आपके पास डीएनए है और हर पीज आपके पास डीएनए वायरस है बाकी जो है वो मोस्टली तौर पे आपके पास आर एन है फिर जो नेक्स्ट आपका थर्ड बॉक्स होगा उसमें आपने इन्वेलब्ड और नॉन इन्वेल्ब का बताना है और लास्ट वाला जो आपका पोर्शन होगा उसमें आपने सिम्टम्स बताना है अगर आप सिम्टम्स में देखें तो मोस्टली जो वायरसेस की हैं उसमें कुछ जो सिम्टम्स हैं वो सेम होती हैं जिसमें आपका हेडिक हो जाता है या फिर वेट लॉस होता है या फिर जो है वो फीवर की कंडीशन होती है और कुछ वायरसेस में आपके ये जो सिम्टम्स होती हैं ये वेरी करती हैं ठीक है थीके? जैसे अगर आप कैंसर में देखें

नहीं ये असाइनमेंट नहीं है ये जस्ट आपका आ, वर्क है ये इसको हम इस तरह से करेंगे या क्लास में डिस्कस कर लेंगे या आपको अगर फ्लो चार्ट की समझ आ गई है तो ठीक है वरना मैं आपको वो एक पेज पे जो है वो मार्क करके बता दूंगी तो उसमें आपने जस्ट अपने आ, ये लिखना होगा कि डीएनए वायरस इनवेलब्ड और सिम्टम्स लिखनी होंगी ठीक है okay. Okay, okay, मार करके बता देना क्या करके बता देना मैम आप एक फ्लो चार्ट से बोल रही है ना बना के फिर वो सेंड कर दीजिएगा इसलिए हमें इजी हो जाएगा ठीक है ठीक है बच्चे नेक्स्ट इसमें आपके पास है वायरल डिजीजेस प्लांट्स में मोस्टली uh, तौर पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली पेस्ट की वजह से अटैक होने की वजह से और वायरसेस के अटैक होने की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ साथ और उसकी यील्ड भी कम हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर आप एक एकड़ एरिया में ग्रो कर रहे होते हैं और उसमें आपके पास किसी पेस्ट का अटैक हो जाता है या वायरस का अटैक होता है और वायरस के अटैक होने की वजह से वो आपकी हाफ एकड़ की जो जो जमीन होती है वहाँ पे जो आपने एग्रीकल्चर या फार्मिंग की होती है वहाँ पे बेसिकली उनकी यील्ड जो है वो नहीं ग्रो कर पाती सेम इसी तरह से जैसे अगर आप बीमार हो जाते हैं आपको फीवर होता है तो आप अपना जो प्रॉपर वर्क होता है जो टाइमली बेसिस पे आपने करना होता है वो आप नहीं कर पाते ठीक है तो उसमें आप जिस तरह से आप वर्क नहीं कर पाते और आपकी यील्ड जो है या ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाती है सेम इसी तरह से क्रॉप्स की भी कम हो जाती है और एट द एंड पे अगर वो रिकवर नहीं हो रहा होता वायरस या फिर पेस्ट का अटैक तो एट दी एंड पे आपके पास जो प्लांट वायरसेस की वजह से क्रॉप्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं ठीक है और इसमें हम मोस्टली तौर पे क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कुछ ऐसे प्लांट्स प्रिपेयर की जाए जो कि बिल्कुल वायरस फ्री वेराइटीज बनाई जाए जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं ताकि उन पे जो है वो पेस्ट का या वायरसेस का अटैक ना हो जब अटैक नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ जो है यील्ड कम नहीं होगी और जब कम नहीं होगी तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा इनकम भी ले सकते हैं और उसको फूड परपज के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे आप ये देख लेंगे जो फ्लड एरिया है फ्लड जैसे ही आया है तो वहां की हमारी क्रॉप्स जो है या आपके पास वेजिटेबल्स जोमेटोज हैं या ऑनियन है या आपके पास पोटैटो है तो वो डिस्ट्रॉय हो गए थे ठीक है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी महंगाई भी रही उन चीजों की ठीक है नेक्स्ट आपके पास है टोबैको मोजेक वायरस जो कि हमारे पास एक आर वायरस होता है और इसके अलावा रॉड लाइक वायरस होता है और इसमें आपके पास और 300 नैनोमीटर उसकी जो है वो लेंथ होती है और 18 मीटर जो है वो डायमीटर होगा इस तरह से ही आपकी लेंथ होगी और इस तरह से ये आपका डायमीटर होगा ठीक है और मोस्टली तौर पे हम ये कहते हैं कि हम टोबैक्जैक वायरस क्यों कहते हैं इसको और मोजैक अपेयरेंस क्यों कहते हैं इसको जिसकी वजह से हम इसको टोबैको मोजैक वायरस का नाम देते हैं बेसिकली इसके जो लीव्स होते हैं वो मोल्टेड हो जाते हैं और मोल्टिंग होने की वजह से हम इसको मोजैक का नाम देते हैं और इसी जो मोजैक कंडीशन होती है बेसिकली जो हमारे पास प्लांट के लीव्स होते हैं वो बेसिकली उसका जो लाइट ग्रीन कलर होता है टाइम के साथ साथ लाइट होना शुरू हो जाता है और इस तरह से जो लीव्स होते हैं वो पहले आपके पास लेंथ में वेड में ज्यादा होते हैं और जैसे उस पर अटैक होगा तो वो टाइम के साथ साथ वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी उनकी जो लेंथ और वेड है वो कम होना शुरू हो जाएगी और जो ग्रोथ होती है जो यील्ड होती है आपके पास वो भी आपके पास कम होगी जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी ये जो इन्फेक्टेड वायरस होने की वजह से प्लांट जो होता है वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता ठीक है और उसके जो लीव्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं पहले लीव्स डाई करेंगे और उसके बाद फिर स्टैम्प और अदर एरिया होगा वो उसको भी अटैक करना स्टार्ट कर देगा और इस तरह से वो आपके पास नहीं बच पाता नेक्स्ट आपके पास है मुजैक वायरस ऑफ कोकम्बर एंड लेटेस ये जो मोज़ेक वायरस होता है ये बेसिकली आपके जो ग्रीन वेजिटेबल्स uh, होते हैं ये मोस्टली तौर पे उनको इफेक्ट करता है ये ककम्बर है और uh, जो लेटस प्लांट्स होते हैं उनमें भी सेम इसी तरह से जो स्पॉटेड uh, एरियाज होंगे स्कार्स एरियाज होंगे वो बनाएंगे जिसकी वजह से हम उनको मोज़ेक या मोल्टिंग कंडीशन होने की वजह से मोज़ेक का नाम देते हैं और इन जो जो आपके पास ये वेजिटेबल्स होती हैं प्लांट्स uh, होते हैं आपके पास इसमें बेसिकली जो पेस्ट अटैक करते हैं वो आपके पास एफिड्स होते हैं और लीफ ऑपर होते हैं और इनकी मदद से ये वायरसेस फैलते हैं आपने अक्सर देखा होगा जो आपके पास स्मॉल बीटल्स हैं या पेस्ट हैं आपको क्रॉप्स पे दिखाई दे रही होती हैं जब वो एक से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो उनके जो अः uh, वायरस uh, जो है वो उनकी जो लेग्स हो गया या उनकी बॉडी पोर्शन हो गया उनके साथ अटैच होता है और जिसकी वजह से जब वो एक से दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो फिर सप्रेड ज्यादा से ज्यादा वायरस का करते हैं नेक्स्ट आपके पास है येलो डिजीज पोटैटो में और इसमें ये ज्यादातर आपके जो लीव्स है स्टैम्प और रूट एरियाज होते हैं ये उनको अफेक्ट करता है और अफेक्ट करने के साथ साथ जो पोटैटो प्लांट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है उसको उस वजह से जो प्लेटो होता है वो आपके पास प्लांट खत्म हो जाएगा और उसकी यील्ड कम हो जाएगी नेक्स्ट आपके पास है टोमेटो बंची टॉप डिजीज इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप वायराइड का नाम देते हैं उसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है और इसमें जो टोमेटो प्लांट होता है वो आ, फ, फल uh, डाउन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो उसके लीव्स होते हैं वो विल्टिंग स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से ये मोस्टली तौर पे <laughs> आपको ड्राई जो प्लांट uh, होता है वो देखने को मिलता है ठीक है जैसे आप कमजोर होते हैं और आप में हिम्मत नहीं होती कोई काम करने की या एक से दूसरी जगह मूव करने की या आप ज्यादा कोशिश करते हैं क्या रेस्ट करें सेम इसी तरह से ये जो आपके पास पोटैटो प्लांट्स होते हैं टोमेटो uh, इनमें भी अटैक uh, होने की वजह से वायरसेस का ये जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते और ये फेल डाउन स्टार्ट होना और कर दे, स्टार्ट कर देते हैं हैंक्स्ट <coughs> uh, आपके पास है कॉटन लीफ कर्ल वायरसेस जिसको आप एलसीवी का भी नाम देते हैं ये मोस्टली तौर पे जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उन पे वायरस अटैक करता है आपको पता है कि हमारे पास जो कॉटन क्रॉप होती है उसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं जितनी आप कॉटन बनाते हैं उसको आप सेल आउट करें इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें और उसके बाद फिर आप उससे अर्न करें और इस तरह से ये जो एल होता है ये सप्रेट करता है मौसी तौर पर वाइट फ्लाई की वजह से जिसको आप वाइट फ्लाई को एज ए पेस्ट का नाम देते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपके पास बेमिसिया है और इसमें जो कॉटन प्लांट होता है उस पर क्या क्या सिम्टम्स आती हैं जब ये वायरस अटैक करता है जो उसके लीव्स एरियाज होते हैं जो यंग लीव्स होते हैं उसके उनमें जो वेन्स और सब वेन्स होती हैं वो थिकनिंग स्टार्ट कर जाती हैं और वो टाइम के साथ साथ जो है वो मोटी होना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही वो मोटी स्टार्ट होंगी फिर उनके बाद जो लीव्स होते हैं वो कर्ल स्टार्ट कर देते हैं वो रोल होना शुरू होंगे अपवर्ड की डायरेक्शन में और इस तरह से जो लीव्स होते हैं फिर वो आपके जो है वो लेदरी शेप इख्तियार कर लेते हैं उनकी जो है वो मोटाई होती जाती है और साथ साथ में जो इंटर नोट होती हैं जो आपके पास दो नोट का दरमियानी फासला होता है जिसको आप इंटर नोट का नाम देते हैं उनमें भी लेंथनिंग होगी वो भी उनकी लेंथ इंक्रीज होगी और जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी तो उसमें ट्विस्टिंग आएगी और वो ट्विस्ट करते जाएंगे एक दूसरे के अराउंड और इस तरह से जो कॉटन की यील्ड होती है वो डिक्रीज कर जाएगी बजाय इसके कि वो लेंथ वाइज इंक्रीज होंगे और लेंथ वाइज इंक्रीज होने के बाद जब वो टॉप लेवल पे आ जाते हैं फिर हम उसको हार्वेस्ट करके सेल आउट करते हैं लेकिन क्या होगा कि जब उसकी लेंथनिंग इंक्रीज होगी तो वो ट्विस्टिंग स्टार्ट कर देगी और वो जो ट्विस्टिंग होगी या कर्लिंग होगी और इसी वजह से आप इसको जो है वो कॉटन लीफ कर्ल वायरसिस का नाम देते हैं जो कि कॉटन की यील्ड को इफेक्ट करेगा और ओवरऑल जो होल क्रॉप होगी वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ठीक है जैसे आपके कुछ बीमारी ऐसी होती है अगर फैमिली में किसी एक बंदे को लग जाती है किसी एक पर्सन को जो तो उससे आपकी फैमिली के दो या तीन पर्सन जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं ठीक है सेम उसी तरह से ये अगर किसी एक जो आप कॉटन क्रॉप है किसी एक प्लांट में ये वायरस चला जाता है तो उसके बाद जो ओवरऑल वहां पे कॉटन क्रॉप होगी तो वो इफेक्ट होगी इतनी लेट बच्चे क्यों आ रहे हैं आप लोग

कि आप लोगों का ये अभी रहता है एंड पे और जो आपके दूसरा सेक्शन है ए सेक्शन है उनका ये वायरस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया इस तरह फिर आप पीछे रह जाएंगे आ, नेक्स्ट आपके पास है नेरोटिक डिजीजेस नेरोटिक में बेसिकली जो वायरस होता है वो जो प्लांट का लीफ पार्ट होता है उसको किल कर रहा होता है नेक्रोसिस के थ्रू और इसमें जो है वो मोस्टली तौर पे आपके जो पोटैटोज और टोमेटोज होते हैं ये उनमें डिजीज कॉज होती है और ट्यूमर में क्या होता है कि मोस्टली वायरसेस जो है वो पोटैटो है आपके पास को कम्बर है और टोबैको प्लांट्स है उसमें ये ट्यूमर जो है वो कॉज करेगा और उसकी वजह से वो फिर प्लांट्स आपके पास इफेक्ट होंगे नेक्स्ट आपके पास ये टोबैको मोजैक वायरस है टोबैको मोजैक वायरस का जैसे मैंने आपको पहले इसमें बता दिया कि ये एक आर वायरस होता है रॉड शेप वायरस होता है और ये आपकी जो फैमिली सोलिनि फैमिली है जिसमें पोटैटो टमेटो आ जाते हैं ये उससे बिलोंग करता है जिसकी वजह से ये टोबैको प्लांट्स में पाया जाता है और इसीलिए इसको टोबैको मोजैक वायरस का नाम देते हैं और मोजैक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लीव्स होते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं और उसमें जो मॉटलिंग कंडीशन होती है वो आ जाती है उसमें पेटेड स्कॉर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से इसको मोजैक वायरस का नाम देते हैं ठीक है और ये फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर हुआ था ये लेट सेंचुरी में आया था आपको पता है कि पहले अगर वायरस आता है वायरस के बाद फिर हमें ये पता चलता है कि ये वायरस कौन सा है और इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और इफेक्ट होने के बाद फिर हम उसकी रिकवरी की तरफ जाते हैं कि इससे हम प्लांट्स को या एनिमल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करें ठीक है ये आपके पास हिस्ट्री है DMV की कि इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने वर्क परफॉर्म कियाफॉर्म किया था और इसने ये कहा था कि हमारे पास फिल्टर uh, पेपर पे कि जो चैम्बर लाइन फिल्टर पेपर होता है उसने वर्क परफॉर्म किया था और फिल्टरिंग के बाद उसने बताया था कि हमारे पास एक सैप ऐसा भी आता है जिसमें बैक्टेरियल इंफेक्शन जो है वो नहीं होते बैक्टीरिया के अलावा कुछ और मौजूद होता है और फिर उसने जो है वो उसको वायरस का नेम दिया था ठीक है ये आपने जो सेकंड वाला है ये साइंटिस्ट और इसका ईयर और इसमें ये जो चैम्बर फिल्टर पेपर के थ्रू उसने बताया था कि नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल मौजूद होते हैं एजेंट्स जिसको उसने वायरस का नेम दिया था ये आपने देख लेने नेक्स्ट ये आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें ये मैंने अभी आपको बता दिया कि थ्री हंड्रेड नैनोमीटर उसकी लेंथ होती है और एटीन नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है ठीक है लेकिन जब आप उसको माइक्रो फोटोग्राफ uh, के नीचे देखते हैं तो जो इनर चनल जो चैनल शो होता है वो आपके पास फोर नैनोमीटर का होता है और कैप्सिड में आपके पास टू uh, थाउजेंड uh, होते हैं कोड प्रोटीन में जो के रॉड शो शेप जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और ये जो प्रोटीन मोनोमर होता है ये कॉन्सिस्ट करते हैं इसमें आपके पास वन फिफ्टी एट नैनो अमाइनो एसिड्स ठीक है और ये आपके पास फोर अल्फा हेलिकल बनाते हैं और जो आपके पास आरएनए होता है वो एक ही मॉलिक्यूल का आरएनए होता है जिसमें आपके पास सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड बेसिस होते हैं और इन्हीं बेसिस की वजह से आप ये कहते हैं कि आपके पास आर जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनाता है ठीक है जैसे ये आपके पास इस तरह से होता है और यहां पे आपके पास हेयर पिन बनेगी ठीक है जिसको आप हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर का नेम देते हैं और ये जो आर होता है इसका रेडियस आपके पास सिक्स नैनोमीटर का होता है और इसमें आपके पास थ्री आर एन पर प्रोटीन मोनोमर मौजूद होते हैं ठीक है यहाँ तक इसको आपने करना है इसको देख लीजिएगा ये मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगी ये जो आपके पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये रेप्लिकेशन है और पेनिट्रेशन है इसके अलावा ये इकोनॉमिक लॉसेस हैं ये आप की जो क्लास होगी ये तब इसको देखेंगे ठीक है ओके okay, मैम और आपसे आप, okay, आप आ, मैंने आपको पहले भी बताया जो स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किए आप लोगों की वेडनेसडे को मेरे साथ 12:20 से लेके 1:10 तक क्लास है जो आपकी क्लासरूम है वहां पे आपने अपनी क्लास जो है वो नहीं छोड़नी वहां पे आपकी क्लास हुआ करेगी जो वेनजे को नाइन से लेकर नाइन फिफ्टी तक थी ठीक है आपका yes, टाइम टेबल yes. भी आपको साथ शेयर हो गया होगा और मैं आपको जो मैंने कहा है कि मैं डाटा आपको पिक्चर की फॉर्म में शेयर कर दूंगी उसका जो फ्लो चार्ट होता है वो बना के और उसमें आपने फिर डाटा लिखना होगा कि कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए कुछ आपने गूगल से सर्च करना होगा और कुछ आपने जस्ट जो है वो आपके नोट्स में भी अवेलेबल है वहां से भी आप हेल्प लेके उसको अपने पास समराइज कर लीजिएगा ठीक okay, है ये इस तरह से करें कि आप लोगों के अटेंडेंस मार्क कर लिए सीआरजीआर ने मैम जीआर तो खुद नहीं आई सीआर है इसमें ठीक है सिया ने अटेंडेंस मार कर ली है मैम स्क्रीनशॉट ले लिया मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में चलिए ठीक है बच्चे मैम कर दिया मैंने आपके वाले ग्रुप में अटेंडेंस शेयर ठीक है बच्चे ये जो आपको वायरसेस का करवा दी है प्लांट एनिमल ये आप लोगों को समझ आ गया है यस yes. एक ही बच्चे को समझ आया और बाकी की क्लास ठीक है चले ये इस तरह से है अगर ये आप इसको देखना भी चाहें जो जिन स्टूडेंट का नहीं ज्वाइन हुआ या आपका कोई इशू की वजह से या आप लोग क्या इश्यू था आई डोंट नो जो बाकी रह गए फिर आपसे ड्यूरिंग क्लास में पूछा जाएगा और कोशिश किया करें कि आप क्लास साथ साथ ज्वाइन करें ये इसका लिंक जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके मैं आपकी क्लास के साथ शेयर भी करूंगी तो आप इसको देख लीजिएगा ठीक है यस मैम यस मैम चले ठीक है बच्चे ओके okay?